हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ए प्रोग्रामर में। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा डेटा टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहां देख सकता है। जैसे कि सी लैंग्वेज हमारी नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर की बात करती है, तो आज उन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। लास्ट में हम एक स्पेशल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जो कि फर्दर चार तरीके के होते हैं। उनके बारे में प्रोग्राम लिखेंगे और उनको समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटर। जैसे कि ऑपरेटर जब हम बात करते हैं, जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो पहला चीज हमारे माइंड में क्या आता है? पहला चीज आता है कहीं पे प्लस हो रहा होगा या कहीं पे माइनस हो रहा होगा, ठीक है? यही चीज आता है हमारे माइंड में, कहीं पे कोई ऑपरेशन हो रही होगी। व्हाट इज एन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर शब्द से यही चीज आता है हमारे दिमाग में। हम काफी सही है, लेकिन अब देखते हैं इसका मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इंडिकेट्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कंपाइलर है, अगर हमको कोई, मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, अगर हमको उस डेटा को कुछ कर, मान लो मैथमेटिक प्लस करना है, तो हमको बताना पड़ेगा कि हाँ कंपाइलर ये करो, प्लस करके दिखाओ। तो उसके लिए हम यूज किए ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर यही करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास डेटा है, ये ले जाओ और इसका काम कर दो। अगर ए है तो ए प्लस बी। अब ये बी क्या है? बी और ए मेरा वेरिएबल या डेटा है, और ए प्लस जो है वो मेरा ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि सम बराबर ए प्लस बी, एक सम नॉर्मल सम हो रहा है, ए बराबर ए, सम बराबर ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि अब देखो इसको एनालाइज करो, इसका मतलब क्या है। जैसे सम ए और बी, ये हमारा ऑपरेंड है, वेरिएबल्स को हम कहते हैं ऑपरेंड। जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उसको हम ऑपरेंड कहते हैं, मतलब जिसके थ्रू जो बता रहा है कंपाइलर को कि हाँ ये ऑपरेशन करना है, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब देखो सी लैंग्वेज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, हाँ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, बहुत ऑपरेटर्स से कैटेगरी है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तीसरा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, पांचवा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, छठा है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, सातवां है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर ही सबसे, मतलब बहुत जगह पूछा जाता है स्पेशल ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि इसमें चार तरह के ऑपरेटर आते हैं। इनके बारे में सार, इन्हीं के बारे में हम कोडिंग करेंगे, स्पेशली इन्हीं के बारे में कोडिंग करेंगे और इनको जानेंगे कैसे काम करते हैं। तो चलिए ये करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहला अर्थमेटिक से हमें क्या समझ में आता है, कहीं प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इनका मतलब यही है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, ठीक है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। अब देखो ऑपरेटर पहला होता है प्लस, एडिशन के लिए होता है, एग्जांपल है 3 + 2 = 5, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो एस्टरिक यूज करना पड़ता है, इस सिंबल का नाम एस्टरिक है, ठीक है, 3 × 2 = 6, डिवाइड करना है, नॉर्मली अर्थमेटिक जैसे काम करता है वैसे ही है। अब मॉडुलो क्या है, मॉड ये लास्ट वाला जो है, ये वाला, ये क्या करता है, ये रिमाइंडर बताता है, ठीक है। अब 10 mod 2 किए तो ये 10 mod 2, 10 5 = 10, 2 5 = 10 होता है, ठीक है, 2 5 = 10 होता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो ये मॉडुलो बस रिमाइंडर देता है, इसीलिए = 0 ये आउटपुट दिया है। अब चलो आगे देखते हैं। अगला है मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बढ़ाता है और घटाता है वैल्यू, इनका मतलब यही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस प्लस अगर आएगा तो इंक्रीमेंट है, वो एक वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। अगर ए प्लस प्लस कहीं पे लिखा हुआ है तो ए प्लस प्लस क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा। अगर ए की वैल्यू अगर 10 मान लो है और ए प्लस प्लस हम कर दिए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है, ए प्लस प्लस का मतलब। वहीं पे ए माइनस माइनस कर दिया, अगर ए की वैल्यू 10 है तो वहां पे हो जाएगा 9, a = 9 हो जाएगा। यही होता हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं ऑपरेटर ऑपरेशन, एग्जांपल अगर 10 लिए तो 11 आउटपुट देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर माइनस माइनस किए, डिक्रीमेंट किए तो 9 देगा आउटपुट। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, ये बहुत इजी ऑपरेटर से लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन। असाइनमेंट से हमें क्या समझ में आता है, कोई वैल्यू है किसी को असाइन हो रही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, अगर एक एग्जाम्पल लें a = 10, अब ये जो इक्वल टू है इसमें ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, a में 10 असाइन कर रहा है। इक्वल टू ही हमारा सबसे कॉमनली यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। इसमें कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, चलिए देखते हैं।
देखो पहला तो हमारा इक्वल टू सबसे कॉमन a इज इक्वल टू 5 की इसका मतलब भी इसका मतलब क्या हुआ 5 a में आ रहा है। अब प्लस बराबर प्लस इज इक्वल टू मतलब क्या है प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है सेम वही जो a बराबर a प्लस 5 का मतलब है। अब एस्ट्रिक इज इक्वल टू क्या मतलब है a इज इक्वल टू a इंटू 5 वही चीज है ठीक है जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर आ रहा है तो वहीं पे हम ये सिंपल ठीक है अगर केवल असाइनमेंट ऑपरेटर है तो नॉर्मल असाइन कर रहा है वैल्यू। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है सेम चीज है जो अर्थमेटिक में हो रहा है जैसे a प्लस इज इक्वल टू 2 a बराबर a प्लस 2 ठीक है सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलो केस में होता है ठीक है। चलिए देखते हैं अगला रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है इट इज यूज टू चेक द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशन पता करता है क्या करता है रिलेशन ये देता है हमको ये हमको दो तरह का आउटपुट देता है या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा ठीक है। ये बुलियन टाइप का आउटपुट देता है या तो वन देगा या तो जीरो ट्रू यानी कि वन है फॉल्स यानी कि जीरो है ठीक है वन या जीरो आउटपुट देगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेंट आते हैं ठीक है ऑपरेटर्स आते हैं देखते हैं। पहला इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या मतलब है इक्वल इक्वल टू का मतलब है कि किसी को किसी के बराबर पहचान। अगर 5 इज इक्वल टू 5 जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं यहां पे ये क्या किया है 5 इज इक्वल टू 5 यहां चेक किया है मेरा ट्रू है 5 5 के बराबर है इसीलिए 1 आउटपुट है क्योंकि ट्रू है ये ठीक है। अब अगला क्या है अगला है हमारा नॉट इक्वल टू। हाँ नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है अब नॉट इक्वल टू यहां पे एग्जांपल के थ्रू देखें कि कोई चीज किसी के बराबर नहीं है तब ये ट्रू देगा ठीक है जैसे 5 नॉट अब 5 2 के बराबर है नहीं इसीलिए 1 आउटपुट दिया ट्रू है ये। अगला देखते हैं ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन नॉर्मल ये चेक करता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं जैसे 5 ग्रेटर देन 3 लिए ये ट्रू है 5 बड़ा है 3 से 1 आउटपुट दिया मेरा। अगला हमारा लेस देन नॉर्मल भाई 5 लेस देन 3 अब इसमें 5 तो लेस देन 3 नहीं है ठीक है 5 3 से छोटा नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा 0 यानी कि फॉल्स। ऐसे ही हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ये मतलब ये तो ग्रेटर हो या तो बराबर हो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू होता है। अब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या तो बड़ा हो ठीक है उस ऑपरेटर से या तो बराबर हो तो यहां पे 5 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है इक्वल टू है ना 5 इक्वल टू 5 है इसीलिए 1 आउटपुट आ गया। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं द एक्सप्रेशन कंटेनिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर ठीक है रिटर्न 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये डिसीजन मेकिंग मतलब इफ एल्स ये हम आगे देखेंगे इफ एल्स में यूज होते हैं ठीक है। अगर ट्रू होगा तो अगर वो कंडीशन वो लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि वो लॉजिक अगर सही होगा तो ट्रू देगा आंसर अगर फॉल्स होगा तो जीरो देगा सिंपल सा लॉजिक है। ऑपरेटर क्या है अब पहला एंड मतलब ये चेक करेगा कि दोनों मेरा आउटपुट अगर सही होगा दो एक्सप्रेशन है मेरा एक एक्सप्रेशन ये है एक एक्सप्रेशन ये है ये दोनों अगर सही है तभी ट्रू देगा ठीक है ट्रू तभी देगा जब ये दोनों सही है दोनों सही है ए का वैल्यू ऊपर एग्जांपल में 2 लिया गया है और बी का वैल्यू 5 लिया गया है तो 2 बराबर 2 है 5 बराबर 5 है तो ट्रू है आंसर। अब अगला देखते हैं और ऑपरेटर। और क्या करता है दोनों में से कोई एक सही हो या तो पहला एक्सप्रेशन सही हो या तो दूसरा एक्सप्रेशन सही हो अगर कोई भी एक सही होगा तो वो ट्रू देगा ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ए इक्वल टू 2 और बी ग्रेटर देन 7 तो बी की वैल्यू क्या है यहां पे 5 है बी की वैल्यू ठीक है लेकिन 2 इक्वल टू 2 है तो ये ट्रू दिया ठीक है और ये फॉल्स है लेकिन और है तो ये ट्रू दे देगा अगर यहां पे एंड होता। अब जैसे कि नॉट क्या करता है कॉम्प्लीमेंट करता है ठीक है कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है ट्रू कर देगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए कि a इक्वल टू 2 ये तो सही है ना a तो 2 ही है लेकिन नॉट जब लग गया ये फॉल्स कर देगा तभी मेरा आउटपुट फॉल्स आएगा ठीक है। ये रन करा के आप देख सकते हैं कि कैसे काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स ज्यादा समझ में आता है। अब बिटवाइज ऑपरेटर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है बिटवाइज इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बिटवाइज क्या होता है बिटवाइज जैसे कि मेरा नाम सजेस्ट कर रहा है ना ये कैसे ऑपरेशन करेगा नाम क्या है बिट यानी कि ये कैसे कर रहा होगा ये बिटवाइज मतलब ये 1 1 इस फॉर्म में अगर पहले कोई इनपुट दोगे तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेगा अगर बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है तो इसमें चेंज करेगा या केवल बिट पे ही होता है केवल बिट पे होगा
बिटवाइज ऑपरेटर केवल बिटवाइज काम करता है, ये बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि ये बिट 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 बाय बिट चलता है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन वी यूज दिस ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो मैथमेटिकल या कंप्यूटेशन ऑपरेशंस जो होते हैं वो बिट लेवल पे होते हैं, ठीक है। पहले बिट लेवल पे उसको चेंज करना पड़ेगा, बिट बाइनरी, बाइनरी का मतलब समझ में आ रहा है ना, बाइनरी का मतलब क्या है कि अगर 101011 इस फॉर्म में होना चाहिए, जिस कंप्यूटर वाली जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कंप्यूटर बाइनरी क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से देख लीजिए बाइनरी क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के लेक्चर में। अब बिटवाइज ऑपरेटर बिट बाय बिट करता है, इसीलिए बहुत तेज काम करता है। अब देखते हैं इनके टाइप क्या होते हैं। अब जैसे पहले हम ट्रुथ टेबल देखते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे, और हर एक फिर देखेंगे। अब ए और बी, ठीक है, अब ए और बी, अगर ए, ठीक है, दोनों का इनपुट ले लिए, नॉर्मल ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा होगा पहले, ए ए ए में ले लिए कोई रैंड, मतलब 01 के फॉर्म में 0011, ठीक है, बी ले लिए हम 1010, ठीक है, यहां पे ये इनपुट ले लिए ए का और ये ले लिए इनपुट बी का, ठीक है, सारा चेक कर लेगा ये। अब देखो अगर एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, ये सिंगल एंड है, डबल एंड नहीं है, सिंगल एंड है तो बिटवाइज है, बिटवाइज कैसे काम करेगा, ए अब इन दोनों में से दोनों सही होगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा, वन आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब जीरो और वन में अगर लगाएंगे बिट तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट जीरो आएगा क्योंकि दोनों एक जीरो है और एक वन है, एंड है, दोनों वन वन होना चाहिए तो जीरो आएगा। दूसरा क्या है मेरा जीरो जीरो, ठीक है, इसमें भी आउटपुट आएगा जीरो क्योंकि दोनों जीरो है। वन वन है, इसमें वन आएगा क्योंकि दोनों सही है, दोनों ट्रू है। अब इसमें लास्ट वाले में क्या आएगा, वन जीरो, इसका मतलब है कि एक वन है एक जीरो है, इसमें जीरो आएगा, एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज है, ठीक है, नॉर्मल बिटवाइज भी ऐसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है, बस बिट लेवल पे काम करता है। अब देखो और बिटवाइज और कैसे काम करता है, अब दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो ये वन आउटपुट देगा, पहले वाले का वन होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि दोनों दोनों जीरो है। यहां पे हम देख सकते हैं ये भी जीरो है ये भी जीरो है, अब यहां पे जीरो वन था इसी वजह से यहां वन आया, एक सही था, यहां दोनों जीरो है इसी वजह से यहां जीरो आ गया, अब यहां दोनों वन है यहां क्या आएगा, यहां भी वन आएगा, वन आएगा, अब वन जीरो है वन आएगा क्योंकि कोनो एक कोई में से एक सही होना चाहिए। अब ये क्या है, ए एक्स और बी, एक्स और का मतलब क्या होता है, एक्स और का मतलब होता है कि अगर ए जीरो है और बी वन है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो यहां पे वन आएगा, अगर दोनों सेम हैं, अगर जीरो जीरो भी हुआ तो जीरो आएगा, वन वन दोनों सेम हुए तो भी तब जीरो आएगा, और अगर दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे, कोई एक है फिर दूसरा जीरो है, कोई जीरो है दूसरा वन है, तो वन आउटपुट आएगा। अब देखो पहले वाले का वन आएगा क्योंकि अपोजिट है, दूसरा वाला जीरो आया क्योंकि सेम है, तीसरा वाला भी जीरो है क्योंकि सेम है, चौथा वाला अपोजिट है तो वन आएगा। ट्रुथ टेबल हम देख लिए, और यही है हमारा बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, और ये बिटवाइज एक्सोर है। अब इसी में आगे देखते हैं दो तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, बिटवाइज पे कैसे काम करते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट के पहले बात करते हैं, जैसे कि ये बिटवाइज होते हैं तो पहले मेरे पास ए, ए का एक इनपुट है 001000, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 दे दिए, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट जो ये 1 है ना मेरा 1 ये दिया हुआ है, ये 1 को शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट कितना करता है, जितना हम इसको बोलेंगे, जितना ये यहां पे अगर हम लेस देन का जितना जितना ये वाला साइन यूज करेंगे और इस साइड हम लिखते हैं जितना हमको शिफ्ट करना है, अगर 2 शिफ्ट करना है 2, 3 शिफ्ट करना है 3, तो उतना वो शिफ्ट कर देगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या हो, अगर इस पे हम बिटवाइज लगाएं, ए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बी यानी कि 2 लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। यहां पे क्या इनपुट थी मेरी, यहां पे 1 था, 2 शिफ्ट कर दिया, 2 शिफ्ट किया यहां लेके आया, ठीक है, यहां लेके आया, ये देखो यहां पे आ गया मेरा इनपुट। राइट शिफ्ट क्या करता है, राइट शिफ्ट इसी का ऑपोजिट होता है जो कि राइट में शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा एक ही बिट को, राइट शिफ्ट राइट में शिफ्ट करेगा। राइट में शिफ्ट किया, क्या बना मेरा, मेरा बना ए ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यानी कि राइट शिफ्ट का साइन है ये, राइट शिफ्ट बी 000, राइट एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट कर दिया राइट क्योंकि बी की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो स्पेशल ऑपरेटर्स, हमारे सी लैंग्वेज में 4 तरह के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, चलिए पहले देखते हैं ये क्या करते हैं, हर एक ऑपरेटर का अलग अलग टास्क है। अब जैसे कि स्पेशल ऑपरेटर, पहले हम साइज ऑफ की बात किए, अब साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ हमारे वेरिएबल का
साइज रिटर्न करता है। ठीक है, साइज से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमने डेटा टाइप के लेक्चर में देखा था, अगर जिसने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले ले, वहां से देख सकता है। जैसे कि डेटा टाइप के बारे में देखा था हमने, डेटा टाइप अलग अलग साइज के होते हैं, इंटीजर 16 बिट कंपाइलर में और 32 बिट कंपाइलर दोनों में अलग साइज का होता है। मैं 16 बिट की बात करता हूं, तो 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। ठीक है, अगर मान ली 2a = 2 यानी कि इंटीजर है, तो ये साइज इंट ए, ठीक है, इंट है यानी कि इसकी साइज 2 होगी, साइज इसकी 2 होगी। ठीक है, अब ये साइज ऑफ ए ये रिटर्न करेगा 2, इसकी साइज रिटर्न कर दिया। एंड क्या करता है, एंड इसको एंड, इसको बिटवाइज एंड नहीं कहते हैं, ये बिटवाइज एंड नहीं है, ये है एंड परसेंट, इसको वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है, ये रिटर्न करता है उस वेरिएबल का एड्रेस। हमने एड्रेस के बारे में देखा था, एड्रेस कैसे काम करता है, एड्रेस कैसे निकाला जाता है, पॉइंटर कैसे यूज होता है, तो उस लेक्चर को जरूर देखें, इस लेक्चर को देखने से पहले। एंड क्या किया, एंड मेरा ये उठाया, यहां से इंट उठाया, इंट ए, ठीक है, ये एड्रेस स्टोर कर लिया हो कहीं पे मेमोरी में, ठीक है, ब्लॉक में। अब एंड क्या करेगा, इसका एड्रेस वापस कर देगा। ठीक है, एंड हम प्रिंट करेंगे तो इसका एड्रेस, एक एड्रेस दे देगा। स्टार क्या होता है, एस्ट्रिक, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, स्टार एस्ट्रिक पॉइंटर है, पॉइंटर का साइन है, ये वेरिएबल के पहले जस्ट लगाया जाता है पॉइंटर स्पेसिफाई करने के लिए। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है दूसरे के एड्रेस पे। ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये भी लेक्चर मैंने समझा चुका है, ये पहले आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दी हुई है, हर एक जिस जिस चीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं सब मैंने पहले कर दिया है, तो उसको पहले जाके देख लें इस लेक्चर को समझने के लिए। पॉइंटर, पॉइंटर दूसरे के एड्रेस पे पॉइंट करता है। फिर भी हम आगे अभी सारे का कोडिंग करेंगे, सबको समझेंगे। कॉमा क्या है, कॉमा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे अभी। ये क्या किया, कॉमा सेपरेटर ऑपरेटर दो तरह से काम करता है, यहां पे ये ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहां हम अभी देखेंगे कि यहां से ए की वैल्यू 4 कैसे आउटपुट आई, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर क्या है, पहले कॉमा ऑपरेटर के बारे में थोड़ा ब्रीफ देखें, तो अगर ए बराबर 10 भी ये इनिशियलाइज किए, डेफिनेशन है ये हमारी, a is equal to 10, int a is equal to 10, comma b is equal to 20, c is equal to 50. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेपरेटर कॉमा यहां सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, हमको बार बार इंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सारा एक तरह के हैं, ये सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। यहां पे कॉमा एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, यहां पे ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे पैरेंथेसिस यूज हुई है। आउटपुट इसका क्या है, 18, हम देखेंगे अभी कैसे आउटपुट 18 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज कॉमा, कॉमा क्या करता है, कॉमा जब एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, जैसे पैरेंथेसिस में किया, तो ये राइट मोस्ट वैल्यू उठाता है। ठीक है, राइट मोस्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है, राइट मोस्ट क्या किया, ये वाली वैल्यू उठाता है, ये सबको इवेल्युएट करता है, ये इसको भी इवेल्युएट करेगा, ये इसको भी करेगा, लेकिन वैल्यू इसी की इसमें आएगी लास्ट में, ऑपरेटर आउटपुट यही आएगा और सबको रिजेक्ट कर देगा। अब इंट ए बराबर 5 कॉमा, बिना पैरेंथेसिस के अगर हम यूज करें, बिना पैरेंथेसिस के प्रेसिडेंस प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी कॉमा की सबसे कम होती है, लीस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी, और हमारे इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी, इसकी प्रेसिडेंस जो इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस, तो ऐसे ए इज इक्वल टू क्या किए, 5, 10, 18, ये एरर क्यों देगा, एरर इसलिए देगा क्योंकि यहां पे ना जो इक्वल इक्वल टू है उसकी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी ऑपरेटर की, हर ऑपरेटर की एक प्रायोरिटी होती है, इसकी प्रायोरिटी इक्वल टू की ज्यादा है कॉमा से, इसी वजह से ये एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का, इस लाइन का मतलब सीधा यही है कि इंट ए इज इक्वल टू 5, जैसे ये वाला लाइन था यहां पे, ये वाला लाइन, वही चीज सेम हुआ ना, ये ए इज इक्वल टू, अब ये ऐसे इंट 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये एरर देगा, इसीलिए एरर दे रहा है। अब चलिए इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले से ही ये सारा स्ट्रक्चर बना लिया है ताकि टाइम बचे, अब इसको, अब इंट ए बराबर 10 हम यहां पे डिफाइन कर दिए हैं, यहां पे डिफाइन है इंट ए बराबर 10। अब इसका मतलब क्या है, इंट ए में 10 है, अब इसका साइज हम प्रिंट करना चाहें, प्रिंट प्रिंट एफ करें, साइज, साइज क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, इसलिए मॉड डी यूज किए हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ए, अगर किए प्रिंट, ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा इसका साइज जो कि है 2 प्रिंट किया, ये हो गया हमारा साइज ऑफ इंटीजर, क्या है इंटीजर का साइज 2। अगर यहीं पे फ्लोट हम दें, ठीक है 10 ही दे देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट 10.0 ही लेगा,
फ्लोट अगर चेक किए, फ्लोट की वैल्यू थी 4, इसलिए 4 दिया। अब हम एंड परसेंट के लिए देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। एंड परसेंट क्या करता है, साइज देता है हमको, ठीक है। अब साइज के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉड यू। मॉड यू क्यों, मॉड यू एड्रेस के लिए यूज होता है। कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमको एड्रेस प्रिंट कराना है। अब एंड ए प्रिंट किए, अब जैसे ये प्रिंट करेंगे ये इसका एड्रेस दे देगा 65524, इसका रैंडम कोई एड्रेस है जहां पे ये स्टोर है। अब हम देखेंगे पॉइंटर्स के बारे में, पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। पहले तो हमको पॉइंटर एक बनाना पड़ेगा, इंट पीटीआर स्टार पीटीआर, इंट स्टार पीटीआर एक पॉइंटर बन गया। इसमें हम एड्रेस पास कर दिए ए का, ठीक है, एड्रेस पास हो गया। अब यहां पे हम प्रिंट करना चाहें कि हाँ इसके अंदर है क्या, स्टार पीटीआर और पीटीआर के अंदर क्या आ रहा है, तो पहले हम पीटीआर प्रिंट करते हैं। पीटीआर के अंदर क्या आएगा, ए का एड्रेस प्रिंट होगा, ए का एड्रेस प्रिंट हो गया। एड्रेस है तो हमको मॉड यू यूज करना पड़ेगा, मॉड डी से काम नहीं चलेगा। पॉइंट हो गया, ठीक है, एड्रेस पे पॉइंट किया। अब देखें कि इसके अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर अगर देखना है स्टार पीटीआर ये वैल्यू पॉइंट करेगा, इसलिए मॉड डी यूज किए हैं, 10, ए के अंदर 10 है स्टार पीटीआर बताया। अब बात करते हैं कॉमा ऑपरेटर के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। इंट ए बराबर हम एक प्रिंट किए 10, बी इज इक्वल टू 20 दिए और सी इज इक्वल टू 30 दिए। यहां पे कॉमा सेपरेटर के तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये अलग अलग बता रहा है। हम ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं क्योंकि ये एक तरह के डेटा टाइप है, ठीक है, एक तरह के डेटा टाइप हो तो कॉमा करके हम बता सकते हैं। अब यहीं पे हम ऑपरेटर की तरह अगर इसको इस्तेमाल कराना चाहें तो यहां क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस डालेंगे पहले 10, 20, 30। अब यहां से ये क्या उठाएगा, सबसे लास्ट वैल्यू। यहां पे ये ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। अब यहां पे हम ए की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहें, ए की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहें तो क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी राइट मोस्ट उठाएगा। राइट मोस्ट क्यों उठाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर की तरह कॉमा काम कर रहा है और ये ऑपरेटर की तरह जब काम करता है तो ये राइट मोस्ट वैल्यू उठाता है 30, ठीक है, 30 उठाया। अब हम यहाँ एक और डेफिनेशन देखे थे जहां पे ऐसे डिफाइन था, ठीक है, ए इज इक्वल टू 5, 10, 20, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो मेरा कॉमा है, यहां पे ना ये कॉमा है, ये एक सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, तो पहले ये साइन इस पे ए में 5 चला जाएगा, ठीक है, और ये जो 10, 20 ये इनवैलिड हो जाएगा। अब जब हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, हम यहां प्रिंट एफ कर दें, यहां प्रिंट एफ तक पहुंचेगा ही नहीं वैसे ये, अगर हम प्रिंट करना चाहें इसको मॉड डी कॉमा ए, अगर ये प्रिंट करना चाहें हम इसमें तो यहां पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे हम यूज कर रहे हैं तो इंट, इसका मतलब यहां इंट 10 है जो कि इनवैलिड है। तो जैसे आज हमने सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात की, हमने सारा ऑपरेटर समझा कैसे काम करते हैं, हमने लास्ट में एक प्रोग्राम भी लिखा स्पेशल ऑपरेटर के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डेली क्विजेस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।